Assalamualaikum dear student, तो कैसे हैं आप? फिर हाजिर में हम आईकॉम पार्ट टू की बिजनेस स्टैटिक्स के साथ, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के बारे में बात कर रहे थे। अनग्रुप डाटा के तो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है, और मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि जो मेन है इसके साथ, जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो आपको इसकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जाएंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद उसको आप हमारी ईमेल आईडी पर सेंड करें ताकि आपको बता सकें कि सवाल सही किए हैं या गलत किए हैं। तो हमने कल स्टार्ट किया था ग्रुप डाटा के फॉर्मूले, ठीक है, और ग्रुप डाटा के हमने 3 फॉर्मूले आपको बता दिए थे। तो आज हम जो है एक एक करके उसका क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास जो है ये आप पेज नंबर मेरे पास 147 है और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है 3.11, ठीक है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट मेथड से भी करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये करेंगे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। आपको बताते चले कि आप देख रहे हैं अलकरम एजुकेशन चैनल, जिसमें एजुकेशन से मुताबिक आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरे पास ये क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर आपने क्या लिखने हैं, मार्क्स, बहुत आसान है और इजी वे से करवाना है। 0, 10, 10 से 20, चालीस, ये देखिए ये मार्क्स दिए हुए हैं, 70 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसमें उसने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास है पहले का 5, 12, 15, 25, 8, 3 और 2। ये जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं ना, इसको हम जो है एफ भी कहते हैं, ठीक है, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया और इसको हमें सॉल्व करना है, और कह रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो आपको बताते चले कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, तो आपको ये करवा दिया जाए। ये देखिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है समेशन एक्स एक्स बार सॉरी और समेशन एफ, ठीक है, ये फार्मूला है। अब देखिए एफ मेरे पास पड़ा हुआ, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है कि आपने एफ का टोटल करना है। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एफ की वैल्यूज दी हुई सारी, इसको मैंने कैलकुलेट में क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने के बाद मेरे पास आ रहा है 70, यानी मेरे पास जितनी वैल्यूज दी हुई हैं इन सब की तादाद कितनी है, 70। एफ़ मेरे पास निकल गया, ठीक है। अब एफ तो मेरे पास है, लेकिन देखिए फार्मूले में मुझे एक्स चाहिए, एक्स नहीं है। अब एक्स कैसे फाइंड किया जाता है, अगर आपने 9th में मैथ किया तो उसमें आपको बताया जाता है कि दरमियानी कीमत कैसे निकाली जाती है। दरमियानी कीमत एक्स, अब उर्दू में आप उसे दरमियानी कीमत कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप उसे कहते हैं मिड वैल्यू। अब दरमियानी कीमत निकालने का तरीका क्या होता है, अब यही चीज़ आपको बतानी है सिंपल से, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। अब दरमियानी कीमत निकालने का तरीका कि आपको जो मार्क्स दिए हुए, देखिए मेरे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 0 और 10, 2 वैल्यूज़ है। यहाँ पर करके दिखाते हैं, 0 प्लस 10, ठीक है, 2 वैल्यूज़ है। आपने क्या करना है, इन 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। अब देखिए 0 के अंदर 10 प्लस के अंदर 10 ही आएगा, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। इसी तरह 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, अभी 30 है, 30 को भी आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब जब भी कभी आपको मिड वैल्यू निकालनी हो या एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो उसका तरीका ये होता है कि आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं, ये क्लास इंटरव्यू दी जाते हैं, हमेशा यहाँ से निकाली जाती है। 2 पर इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि 2 वैल्यू से होती है, कभी इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं आपको। ये जब उसको बारी बारी निकाल दिया, 15 25 35 15 15 होगा 45, इधर ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये जी 25 35 45 55 और 65। अभी देख लें जी, एफ का टोटल मेरे पास आ गया है, एक्स भी मेरे पास आ गया है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूले में बता रहा है कि मुझे चाहिए समेशन एफ एक्स और एफ, ठीक है। एफ तो मेरे पास मौजूद है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करने के क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एफ एक्स। ये देखिए ये एफ एक्स आ गया। अब एक्स का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 आ जाएगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा,
उसके बाद आप 25 को 15 से करेंगे 375 आ जाएगा, 35 को 25 से करेंगे, 35 को 25 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 875, ठीक है। 8 को 45 से करेंगे 360, उसके बाद आप 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, और 65 को 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 130, ठीक है। ये जो मेरे पास एफ एक्स आ गया है इसके साथ जो लगा हुआ है, इसका मतलब है इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। इन सब का टोटल किया मैंने, टोटल करके मेरे पास आ गया है 2110। ये देखें, और मेरे पास एफ एक्स भी मौजूद है और मेरे पास जो है समेशन एफ भी मौजूद है। इसका मतलब जो फार्मूले की रिक्वायर्ड थी वो दोनों हमने पूरी कर ली है। ये देखिए डायरेक्ट मेथड निकालने का तरीका, हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला लिखना है। ये मेरे पास एफ एक्स का टोटल क्या है, ये 2110, और एक्स का टोटल क्या है मेरे पास आया 70। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 30.14। ये जी आपका आंसर आ गया एग्जैक्ट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से समझाया कि आपको मुश्किल ना आए, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर जब भी कोई तरीका पूछते हैं ना वो इसी मेथड से करते हैं। देखिए क्या करना है आप लोगों ने, फार्मूले के देख लें जो रिक्वायरमेंट है आप इसको निकालना, अच्छी तरह से देख लें अगर आपको समझ नहीं आ रही हो। देख लें ये मार्क्स देखे हैं, ये आपका मैंने टोटल लगाया है, एक्स का टोटल की जरूरत नहीं क्योंकि उसने मांगा ही है हमसे, मिड वैल्यू निकालनी थी ताकि हम उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर सके। ये जी एफ का टोटल भी लगा दिया, समेशन एफ का टोटल लगा दिया, उसको आपने सिंपल फार्मूला पुट कर लिया। तो ये जो आज हमने किया है ये आपका डायरेक्ट मेथड है, यानी जब कभी भी आपसे कहा जाएगा डायरेक्ट मेथड का मेन निकालें तो हमेशा इसी तरीके से निकालना है, नो डाउट, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझाया है, अगर आपको फिर भी कोई समझ ना आ रहा सवाल तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स में आपके सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, देंगे मत के आपको, ठीक है। और इसके अलावा आप हमें ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको इसकी अपडेट मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।